देखिए भाई कि राइडर ने जो है कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दिया जैसे मैंने आपको बताया, और फिर राइडर ने बोला देखिए आपकी मिस्टेक की वजह से मेरी आरबी कंपनी ने बंद कर दी। तो उस केसेस में कस्टमर ने क्या करा, एक लेटर कंपनी को मेल करा यानी कि ईमेल करा और उसमें प्रॉपर मेंशन करा कि इसमें जो है राइडर की आईडी को ओपन कर दीजिए, बाय मिस्टेक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया है, प्लीज राइडर की आईडी एक्टिवेट कर दीजिए। अब 19 तारीख का एक केसेस था भाई, उसके बाद मेरा भाई से कांटेक्ट नहीं हो पाया था, हो पाया कि भाई की आईडी एक्टिवेट हुई या नहीं हुई। लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि कस्टमर की गलती की वजह से, कस्टमर की थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कीजिए, गलती कीजिए, लापरवाही कहिए, कुछ भी कहिए, उसका भुगतान राइडर को भुगतना पड़ा। आप देख सकते हैं, आप कुछ समझ सकते हैं कि भाई फील्ड में हो क्या रहा है। हेलो भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने जैसे एक भाई के बारे में, जिसकी फिलहाल अभी एक आईडी बंद कर दी है सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर की मिस्टेक की वजह से, जैसा कि हमेशा होता है। ज़्यादातर जो कस्टमर हैं आपको मालूम है कि कुछ जेन्युइन भी हैं तो कुछ फेक हैं, लेकिन कुछ फेक कस्टमर की वजह से, मतलब कि गैर रेस्पॉन्सिबिलिटी वजह से भाई की आईडी बंद हो जाती है या उन्हें बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा क्या भाई के साथ हुआ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो थोड़ी भी चलेगी वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। देखिए फिलहाल आपको तो मालूम है कि स्विगी कंपनी या जोमेटो कंपनी में जो राइडर या न्यू ज्वाइनिंग करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती और वो विदाउट ट्रेनिंग के, विदाउट लर्निंग के काम करने लगते हैं, जिसका भुगतान उन्हें अक्सर करना पड़ता है, या तो एज ए पेनल्टी या एज ए उनकी आईडी को बंद कर दिया जाता है, और साथ में स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी फिलहाल जो भाई के साथ हुआ वो कुछ ऐसी हुआ, भाई ने फिलहाल अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग करी स्विगी में, और भाई रक्षाबंधन के दिन की बात है ये, एक राखी का ऑर्डर था जो कि कस्टमर को डिलीवर करना था, लेकिन कस्टमर ने जो एड्रेस एप्लीकेशन में डाला था वो क्या था, प्रॉपर नहीं था, यानी कि बिल्डिंग का नाम भी था, विंग का नाम भी था, लेकिन कोई फ्लैट रूम नंबर उसका मेंशन नहीं था। अब भाई जो है कस्टमर के एड्रेस पर पहुंच जाता है ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। अब भाई एड्रेस देखता है कि यार इसको डिलीवर कहाँ करना है, इसमें तो फ्लैट ही नहीं है, रूम नंबर ही नहीं है। तो भाई क्या करता है, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है कस्टमर से, लेकिन हमेशा की तरह कस्टमर क्या निकलता आपको मालूम है, गैर जिम्मेदार। कस्टमर के टाइम की कीमत है बट राइडर के टाइम की कीमत नहीं है। चाहे राइडर एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा बारिश में खड़ा रहे, धूप में खड़ा रहे, उसका टाइम वेस्ट होता रहे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। काफ़ी टाइम भाई ने वेट करा, वेट करने के बाद जब कॉन्टेक्ट नहीं हुआ तो काफ़ी टाइम के बाद, चाहे मुझे ऐसा लगता भाई ने स्विगी सपोर्ट से हेल्प ली, और फिर कस्टमर के साइड से कॉल आती है। कॉल आने के बाद भाई ने पता नहीं कैसे, उसको एक्सपीरियंस नहीं था या कैसे, भाई ने डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप नंबर मांगा कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, जबकि ऐसा डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, बट वो है अभी एक्सपीरियंस नहीं था भाई को, तो भाई ने डायरेक्ट मांगा कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो कस्टमर ने सामने से मना कर दिया देने से और बोला कि आप अपना नंबर दीजिए। तो राइडर ने अपना नंबर दे दिया और देने के बाद फिर राइडर वो कस्टमर गोल हो गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। अब काफ़ी टाइम तक वेट करता रहा, वेट करने के बाद भाई अपने घर आ गया और पता चलता है कि भाई की आईडी बंद हो गई। ठीक, और उसके कुछ टाइम के बाद भाई के पास फिर कॉल आती है कि आपने हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं करा, हमारी राखी कहाँ है। तो भाई देखिए, नया बंदा था, ईमानदार था, बहुत बढ़िया बंदा था, ऐसे लोग मिलने हैं बहुत कम हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ईमानदारी भारी पड़ जाती है। भाई फिर कस्टमर के एड्रेस पर गया और ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करा और दिखाया, देखिए आपके रेस्पॉन्स ना देने की वजह से और आपकी मिस्ड गलती की वजह से कंपनी ने मेरी आईडी बंद कर दी, और उसका रीज़न क्या डाला है कि आपने कस्टमर को ऑर्डर नहीं दिया है और अपने एप्लीकेशन का मार्क डिलीवर कर दिया। अब बताइए 30-40 रुपये की क्या कीमत, क्या वैल्यू, और उसकी वजह से भाई की आईडी कंपनी ने परमानेंट ब्लॉक कर दी, उसके पेट पे लात लग गई, जबकि कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। तो भाई इस वीडियो का मेरा एक मकसद यही है, अगर आप स्विगी जोमेटो किसी भी डिलीवरी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, एड्रेस इम्प्रॉपर मिलता है, लोकेशन को लोकेशन में प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कस्टमर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना, स्विगी को या जोमेटो किसी भी डिलीवरी कंपनी से सबसे पहले हेल्प लेनी है। इट मीन्स पहले कंपनी को बताना है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है,
क्योंकि अगर आप कस्टमर को अगर आप इन्फॉर्म करोगे तो कंपनी को मालूम नहीं है आपके और कस्टमर के बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कस्टमर जो बोलेगा कंपनी उसी पर ट्रस्ट कर लेगी। लेकिन अगर जैसे एड्रेस क्या था इनकम्प्लीट था, उस केसेस में अगर स्विगी कंपनी को कॉन्टेक्ट किया जाता तो उसके पास प्रूफ होता कि हाँ भाई बंदे के पास एड्रेस क्या था इम्प्रॉपर था, यानी कि पूरा नहीं था, जिसकी वजह से कॉन्टेक्ट करा। उस दौरान हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो और कंपनी जो है थोड़ा उस चीज़ पर गौर विचार करती। लेकिन क्या हुआ, भाई ने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करा, कॉन्टेक्ट करने की वजह से प्रॉपर रेस्पॉन्स ना मिल पाया और कंपनी ने सीधा उठा के भाई की आईडी बंद कर दी। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में भाई इतना ही बताना था और थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा स्विगी कंपनी से कि प्लीज़ किसी भी राइटर के ऊपर एक्शन लेने से पहले आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद ही आप एक्शन लें। क्योंकि आपको मालूम है गर्मी है, बरसात है, धूप है, इसमें भाई लोग काम करते हैं और फिलहाल फिर जब उन पर पेनल्टी लगती है या उनकी आईडी बंद होती है तो उन लोगों पर क्या बीतती है। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनका परिवार ही स्विगी या जोमेटो कंपनी से चल रहा है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।